मोमोस आज बना के देखते हैं घर पे। और तू भाई साहब कहाँ से आ गया है? अब हम खोलते हैं मोमोस की यूनिवर्सिटी यूट्यूब। फ्लिप 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 मोमो देखो कितने ट्रांसपेरेंट है, पनीर नजर आ रहा है इसमें। हाय गाइस वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। दाढ़ी वाड़ी कट चुकी है, अब मैं हैंडसम लग रहा हूँ। तो मेरी बट्टी ने कह कह के कटा दी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी, इतनी इतनी हो गई थी। और इधर हमारा डैब। हेलो डैब, हेलो बेटा, हेलो हेलो। ये अपनी फुटबॉल लेके आ गया, कहता मेरे साथ खेलो। तो आज का जो व्लॉग है इसमें हमारे पास कुछ नहीं है करने को गाइस। ओह नो। अभी खैर, अब मैंने सुबह सुबह हम पी रहे थे स्मूदी। ये देखो गाइस मेरी स्मूदी थोड़ी सी रह गई है, तो इसको मैं एक घुट में ही पीता हूँ क्योंकि रोज पी पी के मैं बोर हो गया हूँ। बट हेल्थ के लिए क्या करें, जरूरी है। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। मालूम है हमका करेजी और कार्तिक इतने छोटे भी नहीं है, अकेले रह सकते हैं घर में। क्या किया ये, यहाँ कहाँ चढ़ गया, उतर नीचे। क्या टेंट खराब कर दिया पूरा, चल नीचे। नहीं तुझे पता नहीं है कैसे चढ़ते हैं इस पे। ये देखो ये खा रही है पॉपकॉर्न और डैब। क्या ले ये डैब, अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। तो आज का सीन है, आज कुछ करने को ज्यादा है ही नहीं है, तो हमने क्या सोचा कि मैं बनाता हूँ मोमोस और ये बनाएगी मूंगलेट। उस दिन हमने खाए थे मूंगलेट, बहुत ज़्यादा स्वाद थे गाइस। आपको मिलने वाली आज रेसिपी दो दो तरीके की। मोमोस आज बना के देखते हैं घर पे। आज डैब के लिए एक अच्छा सा खाना बनाएंगे, बढ़िया सा, जो क्योंकि उसमें कैल्शियम मिनरल सब होंगे। पेकू जी ये तो तुम लगता कुछ और ही बना रही हो, मूंगलेट नहीं बना रही हो। और तू भाई साहब कहाँ से आ गया है? अब हम बात कर रहे हैं, हम कुछ बना रहे हैं, लेकिन तेरा आना जरूरी है हर बात में। और मैं बनाऊंगा जो मोमोज हैं वो बनेंगे पनीर मोमोस, और हो सकता है चिकन मोमोस भी बन जाए, बट फिलहाल अंडा मोमोस भी बना सकते हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा प्रोसेस बता देता हूँ कि करना क्या होता है जब आप मोमोस बनाते हो। ये हमारा आटा गूंदने वाली मशीन है, इसमें ये नॉब लगा दिया है, ये रहा मैदा। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता, इसमें थोड़ा सा थोड़ा पानी डालेंगे। बाहर आ बेटा, बाहर निकल, चल यहाँ से बाहर। और इस दिल में क्या रखा है? तो अब हमने क्या करा, पनीर ले लिया, धनिया ले लिया, प्याज ले लिए, और बस इसको मिक्स कर देना। इसमें नमक और लाल मिर्च दो ही डालने, बाकी सब तो चटनी में होता है। अब हम खोलते हैं मोमोस की यूनिवर्सिटी यूट्यूब यूनिवर्सिटी। अरे ये यहाँ पे सारे बर्तन धरी जा रही है, तो वो बनेगा कैसे? स्टीमर का तो एंड में जरूरत पड़ती है, जब बन जाएंगे तब। तो ये रहा हमारा बेलन छोटा सा, बढ़िया वाली बनाना, वो वाली जो आगे लंबी सी होती है वो वाली। अगर अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो अभी के अभी हम पनीर पिज्जा मोमो बनाएंगे। कैफे हमें खोलेंगे, हमें कोई कैफे नहीं खोलना। तो रेडी के लिए मुझे स्पेस नहीं दे रहे स्पेस। और एक बार मेरी रेडी फेल हो चुकी है, तो मैं अब दोबार से नहीं लगा रहा। ये जगह ही जगह प्लेटफॉर्म ही है, कितना बड़ा। गरम गरम खाने में अच्छा लगता है ना। डैब यहाँ देखते हुए कितना कुछ बन रहा है, मेरे लिए भी कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। इसके लिए भी आज एक बढ़िया सी चीज बनाएंगे जिसमें सारे चीजें मिक्स कर देंगे, तो वो काफी हेल्दी होगा इसके लिए। नॉर्मली ये चिकन ही खाता है। बना वैसा ही है बट अंदर को नहीं चाहिए, इतना गलत बना थोड़ा सा। मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। हाँ, कैसे बनेगा लाओ। कुछ भी नहीं बन रहा हमारा, विनोद ने सही बनाया थे। अब पिंकू जी एक्सपेरिमेंट करने लगी है। आटा ज्यादा गूंद गया ना। कोई नहीं, आज रेड़ी लगा लेते हैं नीचे, गली वाले बच्चे बहुत है, खा लेंगे हमारे। क्या करी जा रही हो यार, चलो बनाओ भी अगर बनाना ही है तो। सबसे पहले तो ना आपकी स्टफिंग ही बहुत। अब मेरी स्टफिंग के ऊपर इल्जाम लगा दो अब तुम सारा, खुद को बनाना नहीं आता। ये पानी लगा के तो फटना ही है, ये सूखे में बनाना आता है मोमो, ये समोसे नहीं है जिसमें पानी लगेगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, ये आलस का हमारे घर में प्रमाण देता हूँ आपको एक।
हमारे घर में लाइटर को खराब हुए 1 महीना हो चुका है और मोड़ पे दुकान है लाइटर की दुकान की, लेकिन हमारे घर में लाइटर नहीं आया। माचिसें और ये वाला लाइटर, सब लाइटर ख़त्म कर दिए इन्होंने। माचिसें 10-15 माचिसें ख़त्म कर दी हैं, लेकिन एक लाइटर इनसे नहीं लाया गया। आज हमारे घर में सारे काफ़ी बिजी हैं। ये देखो मोमलेट बनाते हुए, ये मोमो बनाते हुए, यहाँ पे चाय बन रही है और अभी मोमो की चटनी बननी है, डैब का खाना बनना है और हमारा पिज़्ज़ा मोमो भी बनना है, जिसके लिए हमें अभी सामान निकाल लिया है। पिज़्ज़ा मोमो भी हमने सबकी रेसिपियाँ चोरी कर ली हैं। एक्चुअली हम जहाँ भी जाते हैं अगर देखते हैं कुछ अच्छा, उसको हम आके घर पर बना लेते हैं। क्या बात, क्या बात। तो ये देखो हमारी चटनी बन रही है। चटनी में कुछ नहीं डालना होता, लाल मिर्चें डालनी है, जो सबूती लाल मिर्च होती है, और टमाटर बस। बाद में नमक मिर्च डाल के उसको ग्राइंड कर लेना और बढ़िया चटनी बन। तो इसको हमने अलग ले लिया बैटर को, इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे प्याज, बाद में डालते हैं, बाद में भी डालेंगे। फ्लिप फ्लिप फ्लिप। बस दबा क्यों रही हो, पतला हो जाएगा थोड़ा। वो वैसे ही उसने जो होना है वो वैसे ही हो जाना है। सारे मोमोज हमने प्लांट कर दिए हैं यहाँ पे। प्लांट? हाँ प्लांट ही कहते हैं। जैसे ही उबल जाएगा और चटनी बन जाएगी और मोमो बन जाएंगे, हम आपको दिखाएंगे, खा के बताएंगे। तो आखिरकार हमारे मूंगलेट बन चुके हैं, चलो ट्राई करके बताओ कैसे हैं। वैसे तो नहीं है, ये तो जी, ये हमारा चिल्ला। गाइस हमारा चिल्ला बन के रेडी है गाइस। मैंने तो अपनी पेट और अब इसको 4 हिस्सों में कर देते हैं। वेरी क्रंची लग रहा है। बार बार देखो, हजार बार देखो के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। दीदी तो करेंगे वाह 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 वाह, ओ अमूल बटर, ओ अभी हमने क्या हुआ, चटनी बनाई थी लेकिन मोमो देखो कितने ट्रांसपेरेंट है, पनीर नजर आ रहा है इसमें से। तो भारत के, विश्व के सबसे बड़े उमदा शेफ बैठ चुके हैं टेस्टिंग के लिए। क्रंची नहीं है, मैंने कहा ही था उसमें क्रंची के लिए इनो डालनी पड़ेगी। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। और मोमो ना हमने कितने सारे जो बाहर से वो नहीं लाए थे फ्रोजन मोमो, स्टफिंग कम है वैसी, बट उससे कई गुना बेटर है ये मोमो। भाई मोमो भाई चकल देखो मोमो के, पनीर के परांठे वाली स्टफिंग है। वाह, तो हम तो खाते हैं मोमोस और चिल्ले, आप भी ट्राई करो अपने मम्मी चाची ताई फुफड़ सबके लिए बनाओ और उन्हें भी खिलाओ, आप भी खाओ। चीज मोमोस चिल्लास चाइस और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमें संपर्क जरूर करें यूट्यूब पे। हाँ भाई हाँ। डैब अपना दरवाजे पे ऐसे बैठा है जैसे इसको सिक्योरिटी के लिए बिठाया हो, वैसे ही सिक्योरिटी डॉग बिल्कुल सट के बैठा वहाँ पे, मतलब बिल्कुल सट के, बिल्कुल हिल नहीं रहा कि इसको ये कि वो कब आएगा। वैसे ये हमारे चरणों में या कहीं तुम्हारे सिर पे, अगर विनोद घर पे होगा तो हमारे पास आ जाएगा। जी डैब बाबू क्या चाहिए आपको, डैब बाबू को क्या चाहिए, डैब बाबू को क्या चाहिए। साले संतरा आया ना तभी है, संतरे के चक्कर में आया तू साले संतराबाज। डैब क्या कर रहा तू, अरे सब कुछ जो हमें खाना है वो इसे खाना है। हाँ भाई खायो हंटरा, हंटरा खायो। पंग लगा दे रे मोहे रंग लगा दे रे। उस दिन हमने खाए थे बिट्टू टिक्की, वो भी टिक्की वाला ना, बिट्टू बिट्टू नाम याद आता है क्योंकि
डिट्टू टिक्की वाला काफी फेमस है दिल्ली में, बट उसने हमें उस दिन हमें मंगाए थे, वो भी टिक्की वाले के खा के आए थे ना, तो अभी हमने मंगा लिए। और आपने हाथ तो नहीं धोए ना? नहीं। हाँ, हमें गंदे हाथ वाला ही चाहिए रहता है। बिल्कुल गंदे हाथ वाला था ये, मजा आया महल। आय हाय। कौन सा चाहिए, मिक्स कर दे? मीठा मीठा, ये तीखा पसंद नहीं है मैं। डैब कह रहा मुझे भी खिलाओ। लीजिए मीठा लीजिए आप। कोई गोलगप्पे वाला देखा है जो खिलाता भी है? गाइस बहुत रात हो चुकी है और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर लाइक एंड कमेंट एंड चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब। पिंकू जी बोल दो, पिंकू जी देखो अपने टेंट में जाकर छुप गए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तुम हिमालय पे आई हो घूमने, पहाड़ों में टेंट बिछा रखा है और इसमें अच्छा ठंड में मत।